जय जवाहर, जय किसान, नमस्कार, द्वासलाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ राशिद और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल रियल मीडिया मार्केट। हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत, और जितना भी प्रयास रहेगा, जब तक चाहूँगा, जब तक मेरा मतलब चलेगा, जब तक आप लोगों को जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करूँगा, फिर जैसा आपके समझ में आए वैसा आप करें। आज की वीडियो में बात करने वाले कि आज आलू के बाजार क्या है, आगे आलू का भाव क्या होने वाला है, पूरा होशियारपुर और आपका हिमाचल प्रदेश का जो नया आलू है वो कब आएगा मार्केट में, और क्या भाव में बिक्री हो सकता है। और आज से पहले मैंने कल एक वीडियो डाला था नए आलू का। भाई साहब, अकीद किया करो मेरी बात पे, कभी भी फर्जी खबर या झूठ खबर दिखाने की कोशिश ही नहीं करता हूं। वो आप लोगों को मैं कल ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा दूंगा, वहां पे जाके भी मैं खुद ही गया था, लेकिन बस ऐसे ही गया था तो मैंने सोचा नया आलू का आ गया है, थोड़ा सूचना कर दूं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक वीडियो उड़ा होशियारपुर का डाला है तो उसमें बता रहे भाई साहब ये किसान नहीं, ये व्यापारी है। कोई व्यापारी किसान नहीं हो सकता है और कोई किसान व्यापारी नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, उड़ा होशियारपुर की, हिमाचल प्रदेश की जो फसल है, मतलब उड़ा और हिमाचल की जो फसल है बहुत ही बढ़िया, बहुत बिंदास है, अच्छी तरीके से फसल वहां पे तैयार हो रही है। और खुदाई जो है 5 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक खुदाई भी होने का संकेत दिखाई दे रहा है। वही बात करते हैं आपका आज का आलू का भाव जो है कानपुर मंडी में क्या रहा है। कानपुर मंडी में आज आमदनी जो है लगभग आपकी 25 से लेकर 30 मोटर की आमदनी है। और अब आलू के जो भाव है आपका क्याती पुखरा आलू है 650 से लेकर और 725 रुपए प्रति मन के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। और वही आपका 37-97 आगरा वाला जो है आपका 650 से लेकर 750 रुपए प्रति मन के हिसाब से आलू की बिक्री हो रही है। वही बात करें ड्यू हाईलैंड की, तो आपका ड्यू हाईलैंड जो आलू है वो आपका 700 से लेके और 750 ऊपर में आपका 765-75 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिका हुआ है ड्यू हाईलैंड आलू, मन 40 केजी का होता है। वही अगर बात करें हम लोग G4 और चिप्स वाला आलू की, तो वो 750 से लेके और 800 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। और कानपुर मंडी में नया आलू आया था ए हफ्ता पहले ही आ गया था, मतलब दीपावली से पहले ही आ गया था, अब तो दीपावली का बाद हो गया है। आज दिनांक जो है आपका 26 अक्टूबर 2022 है, और दीपावली के पहले ही कानपुर मंडी में हल्द्वानी वाला आलू आया था। वही आलू लगभग इधर उधर चल रहा है और जो है आ सकता है सोमवार को भी आ सकता है बाद बाकी। अब अगर आलू के भाव की बात करें अधर चलेगी, जैसे कि फरुखाबाद की, तो भाई साहब अभी किसी प्रकार की कोई भी कोल्ड स्टोर में बिक्री नहीं हो रही है कल से या परसों से, मतलब अगर सही जो माना जाए आलू का भाव कल और छोड़ के, मतलब कि शुक्रवार से सही तरीके से आलू में बिक्री का स्टार्टिंग हो सकता है। वो तो फरुखाबाद की बात हो गई है, और फरुखाबाद में बुवाई बुवाई जो है आराम से चरम सीमा पे है, बहुत स्पीड में बुवाई चल रही है और सही तरीके से बुवाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा छिबरामऊ पे, छिबरामऊ के भी किसी भी कोल्ड स्टोर में आलू की बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री जो है आपकी शुक्रवार से पहले नहीं होगी, मतलब आपका इक्का दुक्का जगह हो जाए तो हो जाए, पहले तो कोल्ड में कोई आइए ही नहीं, मतलब कोल्ड में पड़ा सन्नाटा, मतलब बिक्री जो है आज छोड़ दो, बुधवार और बृहस्पतिवार छोड़ के शुक्रवार को हो सकती है। भाई बात करते हैं कि कोल्ड स्टोरों का पोजीशन क्या है। भाई साहब अभी हर कोल्ड में किसी में 40,000, किसी में 50,000, किसी में 30,000, किसी में 25,000 कट्टे रखे हुए हैं। मतलब अभी क्या हुआ है आपका, ये जो है अक्टूबर अब जाने ही वाला है, मतलब आंख बीचेंगे और खोल पाएंगे तब तक अक्टूबर चला जाएगा, अब बचा है नवंबर का महीना। और पूरे नवंबर में अपने यूपी का आलू जो है यहाँ का, मतलब जो यूपी वाला आलू है वो अभी जल्दी नहीं आ पाएगा, अभी पूरा एक महीना ले लेगा, मतलब वही नवंबर के लास्ट वीक में आ पाएगा ऐसा मुझे लग रहा, वो भी थोड़ा बहुत आएगा। अब लोग सोच रहे भाई यार आलू का होगा क्या। देखो भाई, हमने देखा है अच्छे अच्छे के धुआं निकल जाते हैं, जब भाव गड़बड़ा जाता है ना तो लोग साथ बैठ जाते हैं। अब आप ये तो नहीं कह रहे कि आलू का भाव बहुत अच्छा होगा, आलू 1500 रुपये बिकेगा, आलू 1700 रुपये बिकेगा, ऐसा तो नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मेरा अनुमान बता रहा है कि भाई निकल जाएगा, इज्जत से निकल जाएगा। लेकिन बस यही है, लोगों को जिसको तेजी दिखती ना उसको तेजी दिखती है, और जायज बात तो दिखती नहीं है, जायज बोल देंगे तो उसका व्यूअर कम नहीं हो जाएगा यार क्या।
भाई साहब एक बात बताओगे, हम लोगों का कोई तैयारियां होती है, कोई तैयारी करते हैं, कोई त्यौहार आता है या कोई हमको किसी बारात में जानी है तो हम लोग सूट वोट में तैयारी करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अभी दीपावली आया था, आपका दीपावली भी था और थोड़ा सा ग्लोर वगैरह चल रहा था, मतलब बारिश वारिश का, इसी की तेजी बढ़ गई थी। अब दीपावली हो गई है समाप्त, ठीक है, अब हम लोग अपनी रियल लाइफ में जिएंगे, मतलब कि साधारण लाइफ में आ गए, अच्छे अच्छे खर्चा हो गया जितना हो रहा था, अब बस साधारण लाइफ में आ गए आज। मतलब क्या है कि अभी तो फिलहाल पे मतलब इतना कोई खास डाउट नहीं हुआ है, लेकिन ये लग रहा है कि बड्डिया जो है दबाव की ओर है और दबाव बनाने का प्रेशर भी किया जाएगा, या फिर तो अभी एकता होनी चाहिए, भाई भाई दाम में भेजूंगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब लोगों को डर लग जाएगा कि यार आलू का दाम कट रहा है और भाई मैं तो अभी बिक्री कर दूंगा, तो आलू का दाम इतना कटेगा फिर इतना और कट जाएगा, अलग बस ऐसा ही लग रहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आलू का दाम पक्का कट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर थोड़ा एकता बना के रखोगे सही से, और सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ मुझे बता दो कि किसका आलू कितना किस कोल्ड स्टोर में रखा है, मतलब किसके पास कितना कितना आलू रखा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किसका कितना बीजा बचा है, कितना आलू रखा है, ये सारी चीज़ें देख के पता चल पाएगा। मेरा अनुमान यही है कि आलू जो है इज्जत से निकल जाएंगे और आराम से बिक्री हो जाएंगे, जो भाव चल रहे थे अभी दबी गए हैं, बढ़े कहीं नहीं, कहीं की मंडी में आज आलू के दाम में बढ़ाव नहीं आया है, जहाँ पे लोग बता दिया है कि आज वहाँ पे 2400 से लेकर 2600 रुपये क्विंटल बिक रहा है, वहीं पे आज से 3 दिन पहले 2800 रुपये क्विंटल बिक रहा था, मतलब 200 रुपये मंडी कटी हुई है। मेरे हिसाब से सत्य बात आपको बता रहा हूँ, आपके हिसाब से आपने जहाँ देखा जहाँ सुना, बाहुजी से बोलो भैया तुम्हें ले लो, यार बताने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ आलू के भाव में 500 रुपये उछाल आ गया, 700 वाला कट्टा 1200 में बिक रहा है, क्या बिक जाएगा, नहीं बिक रहा ना, तो फायदा क्या है ऐसी बातें करने से। बस सीधी बात ये समझो कि आलू जो है इज्जत से निकल जाएगा, और आप लोगों के पास अगर ज्यादा आलू है तो जैसे ही मौका मिले तुरंत निकाल लो, तो फायदा भी रहोगे, वरना आपकी मर्जी, मेरा काम आपको जमीनी हकीकत दिखाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी ना किसी कोल्ड स्टोर में पहुंच के आलू का जो भविष्य है आराम से निकल जाएगा, इज्जत से बिक जाएगा, फेंकने की बात नहीं हो रही है, बिकने की बात हो रही है।